क्यों हिला डाला ना, ये पाकिस्तानी टीम है, छोटे हुए तो क्या हुआ। एक बार पाकिस्तानी अवाम का खून तो खुश करना ही है। पता नहीं पाकिस्तानियों को जीता हुआ मैच हार कर और हारा हुआ मैच जीत कर कौन सा सुकून मिलता है। जी हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया, 155 रन बना कर भी जीत गया, वो भी 5 रन से, और सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऐसा मैच जीता जिसकी किसी को कोई उम्मीद न थी। सबने सोच लिया था कि हार गई पाकिस्तानी टीम, लेकिन उसी वक्त पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश क्या पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया अपनी बॉलिंग से। नसीम शाह के भाई उबैद शाह, बल्कि अब कहना होगा उबैद शाह का भाई है नसीम शाह, क्योंकि उबैद शाह ने अपनी पहचान बना ली है, पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जितवा दिया। क्या ही खूबसूरत बॉलिंग है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 5 विकेटें लेकर पाकिस्तानी टीम को जीत दिलाई। उबैद शाह पर सवाल उठ रहे थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्यों पिक किया, लेकिन अब तो उबैद शाह पाकिस्तानी टीम में भी अपनी जगह पक्की कर चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दोनों भाई एक साथ पाकिस्तानी टीम में बॉलिंग करवाएंगे। उबैद शाह का बॉलिंग में साथ दिया अली रजा ने, और मोहम्मद जिशान ने भी भरपूर साथ दिया। जहां पर उबैद शाह, अली रजा और मोहम्मद जिशान की तारीफ की जा रही है, वहां पर जुनेद खान को नहीं बोलना है, क्योंकि आज जुनेद खान की मेहनत की बदौलत ही पाकिस्तान जीत सका। क्या ही कोचिंग है यार, उफ खुदाया। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जीत भी गया, सेमीफाइनल में भी चला गया, लेकिन सेमीफाइनल में मैच होगा किस टीम से? पाकिस्तान और भारत का मैच कब होगा? सेमीफाइनल में और कौन कौन सी टीमें हैं? और पाकिस्तानी यंग ईगल्स को इस जीत से कितनी मदद मिलेगी? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर इससे पहले फेसबुक व्यूवर्स हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लें, जबकि यूट्यूब व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। पाकिस्तानी यंग ईगल्स की ये जीत पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में ही नहीं, ये जीत पाकिस्तानी यंग ईगल्स और पाकिस्तानी अवाम को भी सालों तक याद रहेगी। जिस तरह पाकिस्तानी यंग ईगल्स ने यकजा होकर ये मैच जीता, ये पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत खुशाइंद है, और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, क्योंकि अब ये टीम हार कर जीतना भी सीख चुकी है। सेमीफाइनल से पहले चाहिए थी इस टीम को ऐसी जीत जो पूरी टीम को जोड़ दे, और वही जीत पाकिस्तान को बांग्लादेश से मिल गई। पाकिस्तानी टीम पहले जीतती जरूर आ रही थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम में कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी थी, जो आज बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप बैटिंग की सूरत में सामने आई। पाकिस्तानी बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये टीम गिरती है, ये टीम लड़खड़ाती है, लेकिन संभल जाने का हुनर जानती है। पाकिस्तानी यंग ईगल्स के कॉन्फिडेंस की दाद देनी बनती है। टीम मैदान में होती है तो नजर आ रहा होता है कि ये टीम जीत कर ही मैदान से वापस आएगी। जुनेद खान, तुमने कमाल कर दिया, क्या ही बॉलिंग के गुर सिखाए हैं उबैद शाह को। जहां पर पाकिस्तानी बॉलिंग और कोचिंग की तारीफ की जा रही है, और वहां पर पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान साद बेग की तारीफ करना बनती है। उबैद शाह से लगातार ओवर्स करवाए और बांग्लादेशी प्लेयर्स को प्रेशराइज रखा, जिसकी वजह से बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अपनी विकेटें प्लेट में रखकर दे दी। अब आप कमेंट करके बताएं कि यंग ईगल्स की इस जीत से आपको कितनी खुशी हुई। अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।